गाड़ी के कीड़े पे तुम सड़क से उठा के महल में लेके आए। मैं भाई की तरह प्यार किया, तुझे पाला, तुझे प्यार से रखा, मैंने सब कुछ दिया। क्या चाहता था यार? एक छोटी सी वफादारी, छोटी सी वफादारी, वो भी नहीं दे पाए तू। बॉस, मैंने आपका हर एक ऑर्डर माना है। हर मुसीबत से बचाया उसे मैंने। ये आपके पैसे इसमें। आपने कहा उस पर कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए, इसलिए हर पल नजर रखी है मैंने उस पे। उसे बेन बताए, उसे हर एक मुसीबत से बाहर निकाला है मैंने। आपके कहने पे आधे से कम प्राइस में वेडिंग कर तो रहा हूं। उस पे नजर रखने के लिए उसके अपने तक को खरीद लिया था मैंने। 10 मिनट हो गए, अब तक एक कैब नहीं मिली है। प्रेम शॉप, चलो बस कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेगा मेरे लिए। पाखी, बैठ जा फिर। जो लोग पाखी पे नजर रख नहीं पाए, उसे सजा दी थी पहले। एक बार गलती होगी, फिर से नहीं होगी, प्लीज। मर जाए, बाकी पे पूरी नजर ढलने की सजा बात के बनाओ। और उस रात जब मुझे पता चला उस गाड़ी में वो नहीं है, तो उसे ढूंढने के लिए मैं गया था हवेली, पर बाहर पड़ा मुझे उसका ब्रेसलेट मिला। मुझे लगा वो वहां से निकल चुकी है। आपकी मेहरबानियों को मैं भूल नहीं सकता बॉस, इसलिए जब गलती हुई तो मैंने अपने आप को खुद सजा दी। बॉस, अगर आपको लगता है कि ये सजा भी कम है तो मार दो मुझे। कौड़ी की तेरी जान ले की मुझे क्या मिलेगा? पाखी मिल जाएगी, मिल जाएगी पाखी। अगर मिल जाती तो कब का मार चुका होता तुझे। पाखी ने जिया हर पल, सीसीटीवी फुटेज में कहते हैं हर पल, हर रोज मैं इसका चेहरा देखता और एक ही सपना देखता, इसे अपना बनाने का, इसे अपने प्यार का इजहार करने का। क्यों बता? बता। क्या ये मेरा सपना कभी पूरा हो पाएगा? इस गलती की वजह से मेरी सालों की मेहनत खराब हो गई। एक गलती की वजह से। लेकिन पाखी, पाखी किसी और से प्यार कैसे कर सकती है? तूने तो देखा है ना उसे, हाँ? वो क्या नाम है उसका? ईशान, 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 ईशान। क्या क्या है क्या उसमें जिसमें वो पाखी को कुछ दिख गया? ऐसा क्या है उसमें ईशान में जो पाखी को नजर आया और मेरा प्यार उसको नजर नहीं आया? क्या उसमें तो बताना मुझे। इज ही लाइक
कैसे है वो, दिखता कैसे, दिखता कैसे? इजी लाइक मोर गुड लुकिंग देन मी, हां मुझसे कुछ ज्यादा खूबसूरत है? इजी लाइक टॉलर देन मी? इजी लाइक मोर फनियर देन मी? मेरा प्यार, मेरा प्यार कैसे कम पड़ गया? बाकी क्यों, बाकी क्यों? वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं थोड़ी स्टॉकर टाइप्स की हूँ। या आई सॉ पाखी श्रीवास्तव फॉलोड यू, बिग डील। मैं वैसे भी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। बिग डील? ऑफ कोर्स इट इज अ बिग डील। मैं ऐसे ही खुद किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। दिल्ली? इसमें इतना मुश्किल क्या है? आई मीन वो जो प्रोफाइल के नीचे फॉलो का बटन होता है उसे प्रेस ही तो करना होता है। वेट, आई विल शो यू। ये देखो, ये जो तुम्हारी प्रोफाइल है उसके नीचे फॉलो का बटन, उसे प्रेस ही तो करना होता है। दैट्स इट। तो करो ना। वो जब मेरा मूड करेगा तब कर लूंगा। अच्छा, इतना एटीट्यूड। तुम्हें पता भी है फॉलोअर्स की ना रिक्वेस्ट आके रखी है मेरे पास, मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। और यहाँ मैं तुम्हें खुद बोल रही हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो, तुम इतना एटीट्यूड दे रहे हो। सो यू मीन मुझे लकी फील करना चाहिए कि तुमने अपने आप को फॉलो करने का मुझे गोल्डन चांस दिया, राइट? फाइन, लेट इट बी। लेकिन जब भी तुम मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे ना, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और मैं तुम्हें फॉलो भी क्यों करूं? क्या हुआ? ओके, पानी दूं? आई एम फाइन। मैं इसलिए ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाती, आइसक्रीम खाते ना खांसी होने लग जाती है मुझे, और मैं हमेशा किसी की डांट सुननी पड़ती है। बाकी तू बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती है, आइसक्रीम देखती है पागल हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाती खुद को एंड ऑल दैट। बहुत पोसेसिव है ना वो तुम्हारे लिए? ना, पोसेसिव नहीं है, प्रोटेक्टिव है बहुत। एक्चुअली यू शुड मीट हिम। वो इतना बड़ा आदमी, उसके पास टाइम होगा मुझसे मिलने का? मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है अगस्त्य, उस चीज के लिए पक्का टाइम निकाल लेगा। मैं इंपॉर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए? बाकी से दूर रहकर उसकी धड़कनें मैं सुन सकता हूँ, क्या वो ऐसा कर सकता है? बाकी कोई गलती करे उससे पहले मैं उसे रोक लेता हूँ, क्या वो उसे ऐसा प्रोटेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैं अगस्त्य रायचंद नहीं कर सकता हूँ। अगस्त्य कॉल फ्रॉम बाकी। कनेक्ट द कॉल। Hi, Baki. Hi, how are you? Listen, Dodo, I want you to meet Ashan एकदम जल्दी से। पता है, अभी तो ना मैं और भी शोर हो गई हूँ Dodo। कुछ तो कनेक्शन है हम दोनों के बीच में। एक दो मीटिंग में Ashan मेरे लिए इतना स्पेशल हो गया है ना, I can't tell you। और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ का स्पेशल पर्सन मेरी लाइफ के फेवरेट पर्सन से मिले। देखो, आई नो कि तुम कहोगे बाकी गो स्लो, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, पर टूटो प्यार ऐसे ही तो होता है ना, एकदम सडनली बिना प्लान किए। तो तुम मिलोगे ना Ashan से? प्लीज। बाकी हाँ, मैं मिलूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं उससे मिलूं, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ यार? I'll meet him। मिलूंगा मैं तेरे लवर बॉय से। इनफैक्ट लेट मी प्लान दिस आउट फॉर यू, ओके? ये दिन तेरे लिए बहुत स्पेशल है, राइट? तो मैं तेरे लिए दिन एक्स्ट्रा स्पेशल बनाऊंगा, ओके? थैंक यू Dodo, यू आर द बेस्ट। अच्छा, मैं जाती हूँ, Ashan वेट कर रहा है। लव यू, बाय। वेट तो मैं भी तेरा कर रहा हूँ बाकी। नहीं, यहाँ आया। आई लव यू टू।
नानी वहाँ? कैसी हो बच्चा? नानी, you have missed all the fun. आपको पता है हम सर्फिंग भी गए थे, है ना मॉम? हेलो मॉम. हाय बेटा. हम आपके साथ सर्फिंग आते ना तो हम आपको जरूर हरा देते. क्या यार नानी, कुछ भी. लेकिन आप लोग तो परसों आने वाले थे. Honestly, नानी, मैं भाई को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैंने मॉम से जिद की और हम दो दिन पहले ही आ गए. अच्छा. जैसे कि हम दो दिन बाद आते तो अगस्त्य भाग जाता ना. नानी, मैं भैया से मिल के आई. एक मिनट. नवीन, एक बेटा, वो क्या है कि बेटा अगस्त्य की तबीयत जरा खराब है, वो सो रहे होंगे. आप कल सुबह आकर उन्हें मिलिएगा. मैं बस हाय बोल के आती हूँ, और वैसे भी भाई मुझसे कभी गुस्सा नहीं होते, आपको तो पता है ना. नवेली, एक बार कहा ना आपसे, आप कल सुबह आकर अगस्त्य से मिलिएगा. कई बात आप समझ नहीं सकते. अब बोल, फायदा हुआ दो दिन पहले आने का? तुम्हारी नानी माँ आज भी वही हैं जिन्हें अगस्त्य के आगे और कोई नजर नहीं आता. नॉट नाउ मोना. आप फिलहाल नवेली को घर ले जाइए. बेटा, आप कल सुबह ब्रेकफास्ट पर आइएगा. हम आपके लिए साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ठीक है? चलो बेटा, लेट्स गो. भगवान, हमारे बच्चे को ये दर्द सहने की शक्ति देना. कहीं अगस्त्य के साथ फिर से वैसा ना हो जाए जो उसके साथ उसके बचपन में हुआ था. नहीं बचेगा वो, मैं मार डालूंगा उसे. इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मुझे मेरी झल्ली को उसकी गलती का एहसास तो दिलाने दे. उसको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि जिसे वो स्पेशल समझ बैठी है वो उसके लिए स्पेशल नहीं है. उसका उसकी लाइफ में जो स्पेशल इंसान है वो सबसे पहले उसे अपनी गलती को सुधारना होगा. जिसे वो मोहब्बत समझ बैठी है उसे भूल के मुझे अपनाना होगा. आज हमने इतना खाना खाया है, तुम्हारे साथ रह रहकर ना खा खा कर मैं मोटी हो जाऊंगी. और भी क्यूट लगूंगी. Well, thank you for the. Actually, तुम कहना कुछ और चाहती हो लेकिन सोच रही हूँ कि कहीं मैं उड़ने ना लग जाऊं. नहीं उड़ूंगा, आई प्रॉमिस. क्या क्या कहना चाह रही हूँ? यही कि आज की शाम तुम्हारी लाइफ की बेस्ट शाम थी. बाय. अचानक से गाना कैसे प्ले हो गया? स्ट्रेंज ना, कहीं ये यूनिवर्स का कोई साइन तो नहीं है? एक्चुअली यूनिवर्स का तो पता नहीं, बट यहाँ नो पार्किंग का साइन जरूर है. सो गुड नाइट. बताओ ये कोई बात हुई? पूरे घर के लिए एक वाईफाई और शानू के रूम के लिए अलग वाईफाई. हम कोई टाटा अंबानी है क्या? तुम्हारी बेटी बोलेगी कि एक टाइम का खाना बंद कर दो, लेकिन वाईफाई तो चाहिए ही चाहिए. पर वो... अरे रहने दो ना. अरे पाकी आ गई, देखो. पाकी? ऐसे खोई खोई कहाँ जा रही है? खाना गर्मा गर्म लगा हुआ है, खाना खा ले. माँ मैं खाना खा कर आई हूँ. हैं? खाना खा के आई है? अरे देखो इस लड़की को, बताती भी नहीं कि खाना नहीं खाएगी. राजमा बनाए हैं तेरे लिए. अगस्त के साथ डिनर करके आई है? नहीं. तो फिर वही ना जो तुमको ड्रॉप करके गया उसके साथ? कौन है वो लड़का? फ्रेंड है.
नाम क्या बेटा उसका? अरे यार तुम लोग भी ना, वो घर में घुसी नहीं कि तुम लोगों ने जासूसों की तरह छानबीन शुरू कर दी उसकी। अरे सांस तो लेने दो उसे, थक गई होगी बेचारी है। जा बेटा आराम कर ले। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ आराम कर ले, तुम्हारे 500 रुपए का हिसाब करो। हाँ 500 रुपए कहाँ गए? देखिए ढूंढिए भाई 500 रुपए कहाँ गए, किधर गए 500 रुपए? ये बात उन्हें तो बतानी पड़ेगी चकाचक। क्या हो रहा है मुझे? मैं बहुत जल्दी सीरियस हो रही हूँ क्या? पर सीरियस तो वो भी हो रहा है, बट स्टिल इज इट गोइंग टू फास्ट? सब कुछ कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी हो रहा है क्या? बट जो भी हो, ईशान बॉयफ्रेंड मटेरियल तो है। यूनिवर्स थैंक यू मुझे उस दिन उस हवेली में ट्रैप करने के लिए, क्योंकि अगर मैं ट्रैप नहीं होती तो शांति कैसे मिलती? पता है कितनी वियर्ड चीजें हो रही है मिस्टर स्नगल्स, जैसे ना बिल्कुल 90s वाली फिल्मों का प्यार हो गया। भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, और तो और हर किसी में बस उसी का चेहरा दिख रहा है। सालों से यही एहसास किया है मैंने भी, दीवानों जैसा प्यार किया है मैंने तुझसे। ये कैसे नहीं देख पाई तू बाकी, लेकिन अब मेरी दीवानगी की हद देखेगी तो मेरे दिल की धड़कने नहीं सुन पाई तो क्या? टूटे हुए दिल की आवाज सुनेगी तो? But sister, how can I treat him? मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। सर मैंने बोला पेशेंट को, पर वो आपसे ही कंसल्ट करना चाहते हैं। है कौन ये? सर वो। ठीक है भेजो तुम्हें। चाहिए सर, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। गहरी चोट लगी है। या दैट्स वेरी डीप। कैसे लगी? कांटा चुभ गया था। कांटा चुभने से इतनी गहरी चोट? कहते हैं फूल जितना ज्यादा खूबसूरत हो कांटे उतनी ज्यादा दर्द देते हैं। फिलॉसफी हाँ? एनीवेज इस पर जो स्टिचेस लगेंगे बॉस, गिव मी अ मिनट, हैव अ सीट। हाइट बॉडी तो मेरी ही बेटर है। और गुड लुकिंग भी मैं ही ज्यादा हूं।